नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज जो नई रिक्वायरमेंट आई हुई है वो परीक्षण सहायक यानी कि टेस्टिंग असिस्टेंट के पदों पे आई हुई है और आप इसे 10th से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको इसी की सभी डिटेल देने वाला हूँ। प्लीज फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक देखते रहना। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल पोस्ट है 41 है। जो डिटेल ऑफ पोस्ट है वो ये टेस्टिंग असिस्टेंट यानी कि परीक्षण सहायक की पोस्ट है 41 यानी 41 की 41, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th या ITI होना चाहिए, जिसमें एज मांगा गया है वो 18 से 40, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर तक इसमें लिया जाएगा। जो इसकी फीस रहेगी, जो एग्ज़ाम फीस से भी फीस मिलाने के बाद, तो वो 1000 रुपये जनरल और OBC के लिए काफ़ी ज़्यादा है, और ये PH SC ST के लिए 800 रुपये है, इनसे 800 रुपये लिए जाएंगे फीस के तौर पर। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें जो पे सैलरी रहेगी आपकी 5200 से लेकर 20200 विद 2500 ग्रेड पे रहेगा। जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसके ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट जो है इसमें 10/12/2017 रहेगी, यानी 10 दिसंबर से पहले आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। हाउ टू अप्लाई, आप इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको 10 दिसंबर 2017 से पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। जो इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इस वेब पेज पर आना चाहते हैं, इस वेब पेज का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे, आपके सामने एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। होने के बाद आपको इसमें अभी सभी डिटेल पढ़ लेनी है। आपको इसमें सभी चीज़ें डिटेल मिल जाएगी कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, किस वैकेंसी के लिए क्या मांगा गया है, इसमें सभी आपको विस्तृत जानकारी इसमें मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्टिंग असिस्टेंट रेगुलर 2017-18 अप्लाई पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर डिक्लेरेशन यानी कि सत्यापन करना है आपको। मैं सत्यापित करता करती हूँ यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले आपको उसका अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, फिर आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है, या आप इसको निर्देश दे रहे हैं। फिर आपको ये सभी चीज़ें आपको इसमें कंटिन्यूटी यानी कि आपको सभी फॉर्म फिल कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो देना है। फ़ोटो देने के बाद, फ़ोटो भी इसमें तो बहुत सारे मांगे गए हैं, और फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए सबमिट करना है। सबमिट के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स हम पर डे इस चैनल पर 2 या 3 वीडियो अपलोड करते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी है, जैसी है, मेरी है जान, मैंने माना।